सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 90 पदों के लिए आवेदन मंगवाएं उनके लिए। देखिए, ये न्यूज़ आई हुई है livehindustan.com में। यदि आप ये न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जाकर इसकी इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 पदों के लिए 90 रिक्त हैं। देखिए, इसमें टोटल 90 पोस्ट हैं। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 9 अप्रैल है। देखिए, इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट इजी ग्रेड 3 पद 15, इसकी योग्यता मानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ हायर सेकेंडरी पास हो, यानी कि 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ECG टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, डिप्लोमा होना चाहिए। अधिकतम आयु 1 जनवरी 2018 और 39 वर्ष होना चाहिए। वेतन रहेगा इसमें आपका मैक्सिमम 47,600 प्लस 36,3600 ग्रेड पे रहेगा, मतलब 41,000 या 42,000 के लगभग रहेगा। और इसमें प्रोफेसर कम ऑपरेटर ऑफिशियल 9 पद, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और संस्थान से किसी भी स्तर में स्नातक डिग्री प्राप्त हो, साथ ही सोशल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव में 2 साल का अनुभव हो। इनकी सैलरी रहेगी लगभग 45,000 के लगभग टोटल मिलाकर। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषयों के साथ हायर सेकेंडरी पास हो, साथ ही लैब टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। इनकी सैलरी रहेगी लगभग 42,000 के लगभग। इसमें आवेदन शुल्क रहेगा वो रहेगा 160 रुपये। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के STSC और दिव्यांगों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर जाकर। चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल ही लेते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप गूगल पर जाकर पेस्ट करेंगे तो वो खुल जाएगी। देखिए, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। देखिए, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद, ये ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए, ये खुलने के बाद जो वहाँ पर जाकर देखिए दिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोविजन कम आफ्टर केयर ऑफिशियल मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम इसको कट करते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए ये साइट खुल चुकी है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जाना है एग्जामिनेशन में, फर्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे आप। देखिए, इसमें लिखा हुआ है जूनियर सिविलियन फिंगरप्रिंट और वेस्ट बंगाल वॉलेंट्री ऑफिशियल वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्री हस्बेंड्री, तो ये सब पोस्ट भी आई हुई है। यदि आप इनका एडवर्टाइजमेंट भी देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आई हुई है। इसमें देखिए, इसमें एनरोल करने की पूरी प्रोसीजर उन्होंने बताई हुई है। तो कैसे करना है एनरोल, देखिए उन्होंने बताया हुआ। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारी उन्होंने प्रोसीजर बताई हुई है, इसके लिए हमने इसको खोला है। इसमें एनरोल योर सेल्फ करना है, तो देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है एनरोल योर सेल्फ। यहाँ जाकर आप एनरोल करेंगे, फिर इसके बाद साइन अप करके, ये इसलिए खोला है ताकि इसमें आपको पता चल जाए कि साइन अप करके फिर आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो ये आ रहा है, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस आप यदि न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो इस न्यूज़पेपर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यदि आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू।